इस वीडियो में आप ई रिक्शा पर ये होर्डिंग देख रहे हैं। दरअसल ये वीडियो दमोह का है, जहां एक युवक अनोखे तरीके से दुल्हन ढूंढ रहा है। ये युवक अपने ई रिक्शा पर बकायदा होर्डिंग पर अपना बायोडाटा लगाकर घूम रहा है। युवक का नाम दीपेंद्र राठौर है, जो ई रिक्शा चलाता है। उसने अपने ई रिक्शा पर जो होर्डिंग लगाया है, उसमें अपना वैवाहिक परिचय अपनी फोटो के साथ लगा रखा है। शहर में जहां भी दीपेंद्र ई रिक्शा लेकर पहुंचता है, लोग उसे देखने लगते हैं। इस तरह से दीपेंद्र पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। दुल्हन की तलाश में जुटे दीपेंद्र राठौर ने बताया कि उनकी उम्र 30 साल हो गई है, कोई रिश्ता नहीं आ रहा, इसीलिए वह चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए। उसने अपने फ्लेक्स में एक विशेष बात लिखी है, जिसमें उसने बताया कि जाति और धर्म का कोई भी संबंध नहीं है। किसी भी जाति धर्म की युवती उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आ सकती है, या उनके परिवार के लोग आ सकते हैं। फिलहाल यह युवक शहर में चर्चा का विषय बन गया है। दीपेंद्र राठौर ने बताया कि फ्लेक्स लगाकर युवती खोजने की इस पहल में उनके माता पिता की भी सहमति है। उसने कहा कि मेरे माता पिता पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए उनके पास युवती खोजने का समय नहीं है, और इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मेरा नाम दीपेंद्र राठौर है, मैं दमोह का रहने वाला हूँ। जन्म स्थान मेरा पटेरा है, मेरे पापा पटेरा में सर्विस करते थे, रिटायर्ड हो चुके हैं, वहीं पे मैं पैदा हुआ था। अभी दमोह में आके रहने लगा हूँ, यहाँ का पैतृक धर्म है जिसमें मैं अकेला रहता हूँ, पापा मम्मी अलग है। ऑटो रिक्शा में आप अपनी कुंडली छपवाए हुए, उसके क्या कारण? जी सर, मेरे पास कोई रिश्ता नहीं आ रहा, मैं शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपना परिचय लिखा है, और इसमें मैंने नोट किया है कि जाति एवं धर्म बंधन नहीं है। यदि हिंदू समाज में लड़कियां नहीं बची हों, या हमारी समाज में जब लड़कियां नहीं बची, तो किसी भी धर्म के आए हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि इस संसार में लड़की और लड़के मतलब बिना साथ के जीवन नहीं कर सकता, पति पत्नी जरूरी होते हैं। क्या कारण है कि रिश्ते नहीं आ रहे? अब पता नहीं भैया, दमों में हो सकता दमों के लोग बाहर करते हैं, लोग अच्छा ही घर देखते हैं, बड़े आदमी मतलब हर लड़की वाला यही चाहता है कि बड़े घर में लड़की की शादी हो, और जब अच्छे से बड़े शहर में हो तो छोटे शहरों को कौन पूछता है। और वैसे भी हमारे राठौर समाज में बहुत लड़कियों की कमी हो चुकी है, और सभी और लोग बोलते हैं, हालांकि कितने दिन से आप ये कुंडली छपवाए हुए घूम रहे बाजार? ये मैंने करीब एक सप्ताह हुआ जा रहा है मैंने लगाया था, क्योंकि मैं सोच रहा मतलब हो जाए शादी तो अच्छा है, मैंने कहा इसलिए लगवा दी। क्या रिस्पॉन्स मिला अभी तक? तो सर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं मिला है, लोग फोटो खींच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी कोई कॉल नहीं आया अभी तक। तो क्या लग रहा है आपको, कोई रिश्ता मिलेगा आपको? अब सर देखना पड़ेगा, क्योंकि जाति धर्म खत्म कर दिया, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है, मतलब कोई ना जाति देखना ना धर्म का, जो भी लड़की इच्छुक हो हम शादी कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। आपकी एजुकेशन क्या है? जी मैं इंजीनियरिंग करने विदिशा गया था, तो वहाँ से इंजीनियरिंग बीच में छोड़ दी, उसके बाद मैंने ये कोर्स वगैरह किए हैं जैसे, और इसके अलावा भी कुछ और कोर्स किए हैं जो दर्शाए गए हैं। इसके अलावा रोजगार को लेकर क्या है, मतलब कि रोजगार नहीं? देखिए बीजेपी शासन आया है, तो कुछ हद तक लोगों को राशन देने लगे हैं, घरों में महिलाओं को भी पैसे देने लगे हैं, और बहुत सारी सुविधाएं कर दी हैं, लेकिन लोगों को जॉब भी देनी चाहिए, गरीबों को सबको देख कर चलना चाहिए, गरीब भी आगे बढ़े, है कि नहीं? कांग्रेस शासन में नौकरियां बहुत थी, लोग नौकरी करते थे, आज के लड़की वालों की तो डिमांड है सरकारी नौकरी वाले चाहिए। अब सरकारी बीजेपी शासन में नहीं मिली सरकारी नौकरी, तो हम क्या कर सकते, बताइए आप। क्या लग रहा है कि मुफ्त की रेवड़ी हावी है? अब देखिए गवर्नमेंट दे तो रही है, महिलाओं को पैसे भी दे रही है, राशन भी दे रही है, सब कुछ दे रही है, लेकिन भाई लड़कों को भी तो देखे यार, महिलाओं के अलावा लड़के भी तो घूम रहे हैं, उनकी भी तो शादी करवाना जरूरी है, परिवार बसवाना चाहिए। दमोह में मुफ्त जो वजह है बेरोजगारी है, इस वजह से लड़की की शादी जी सरकारी नौकरी नहीं है इसलिए। लोकल 18 दमोह से अर्पित बड़कुल की रिपोर्ट।